गया ये जहां, सो गया आसमान। ए बेटा, बेटा पापा कहाँ है तेरा? पापा अश्विन रे, तू उसी का बेटा है ना? अरे अश्विन तो मैं हूँ, ऐसे क्या कर रहे हो यार? ये किसका बच्चा खो गया रे? बाजार से लाया खाऊ कवला कवला मेरा भाऊ। हो गया तुम लोगों का, माँ ने कहा दाढ़ी निकल दे अच्छा दिखेगा, और फंस गया मैं। और तूने मुझे भी निकल दी। और तूने क्यों निकली? जेनी ने कहा था। बिल्डर तो इसी लुक में रहता है। हाँ वो सब ठीक है, अरे तूने हमें तेरे घर बुलाया ताकि ट्रिप की प्लानिंग कर सके, और तू यहाँ सोया हुआ है? तो क्या तुम्हारे लिए आरती की थाली लेके खड़ा रहूँ क्या दरवाजे पे? तू उल्टा जवाब मत दे, जिम जाने वाला था तेरे लिए आया इधर। हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं भी अपनी खबर छोड़कर आया हूँ। अबे खबरी न्यूज़पेपर तो चुप ही रहे। अबे मैं चुप रहूंगा तो खबर कौन देगा? अब क्या खबर है बताओ भाई? अरे मेरी शादी तय हो गई है जेनी के साथ। पिछली बार बताया था तुमने, अब कितनी बार बोलेगा? नहीं बताना था, तू था उस दिन साथ में इसलिए उसने ना बोला था, बाद में पड़ गई थी भाई। अबे साले मैं तेरा खून करूंगा। अरे भाई टेक अ चिल पिल। हाँ दे भाई मुझे गोली दे। अरे उसका मतलब है ठंड ले, ऐसे बोल रहा है वो। हाँ तो वो भी चलेगा भाई, कुछ तो दे। बहुत मारूंगा साले, चिल पिल नहीं किल कर दूंगा। दांत मत दिखा, दांत तोड़ दूंगा तेरे। ए न्यूज़पेपर समझा इसे। ए भाई उसका रहने दे, मेरा ये वाला दांत निकालने का है। अबे साले। अभी दोनों समझ लो, सीरियस हो जाओ, ट्रिप का प्लान करना है ना, शुरू हो जाओ। अगर मैं शुरू हो गया ना तो बहुत गंदा होगा भाई। न्यूज़पेपर चलो भाई, अभी सीरियस? हाँ हाँ भाई बिल्कुल सीरियस। अभी बताओ कहाँ जाना है? सरप्राइज है, तेरा बर्थडे है कल न्यूज़पेपर। नहीं तो तेरा बर्थडे अश्विन? नहीं है भाई। क्यों? फिर शादी की खबर देनी है? नहीं। नया जॉब लगा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या तेरे बाप की शादी क्या भी? अरे नहीं भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? हाँ तो सीधे सीधे बता दे भाई, सरप्राइज बोलकर सस्पेंस क्यों बना रहा है? हाँ तो भाई हम लोग ना। हाँ हम लोग? हाँ हाँ बता बता। हम लोग ना ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ हम लोगों को पता है भाई, उसी की प्लानिंग के लिए आए इधर। अरे बिल्डर भाई टेक अ चिल पिल। ए डायलॉग चोर चुप। हाँ भाई ट्रिप पे जाना है। ठीक है भाई, अभी थोड़ा आगे तो बढ़ा तू। सही है भाई, अभी बता ट्रेक के लिए कहाँ जाना है? बताता हूँ भाई आखिर में, अभी पहले प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करनी है भाई बोल। ट्रेक के लिए प्लेस डिसाइड करना है, उसी की प्लानिंग। अरे भाई तो बोल लेता पहले ही, प्लेस ही डिसाइड नहीं है। सस्पेंस वाली पिक्चर देख के आया है, दोनों को पकड़ रहा है अभी। भाई तू सीधे सीधे प्लेसेस सजेस्ट कर अभी, नहीं तो तेरी कब्र और खबर मैं ही बनाऊंगा। हाँ मैं भी। देखो हरिश्चंद्रगढ़ चलते है, मुझे वो बेस्ट प्लेस लगता है अभी ट्रेक के लिए। नहीं भाई किसी भगवान के मंदिर चलते हैं यार। क्यों भाई अचानक से मंदिर? भाई मेरे माँ बाप ने ना मेरे पैदा होते ही मन्नत मांगी थी, मैं जब बड़ा हूँगा तो अपने दोस्तों के साथ मुझे दर्शन कराने भेज देंगे। बे मन्नत के पीछे मत भाग, तुझे जन्नत दिखाता हूँ चल। तुम दोनों कुछ एक डिसाइड कर लो, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई ट्रैक पे ही चलते हैं। तो देखो भाई लोग, पहले तो हमें गाड़ी बुक करनी है। किसकी पहचान में है जिसकी गाड़ी मिल सकती है? अरे थोड़ा पहले बता देता तो, घर पे गाड़ी थी वही लेते ना यार। अब क्या हुआ गाड़ी चोरी हो गई क्या? अबे भाई लेकर गया बाहर, अभी वो दो तीन दिन बाद ही आएगा। न्यूज़पेपर तेरे कांटेक्ट में कोई है जो गाड़ी दे सकता है? एक है शूटर, उसे कॉल लगा कर देखते हैं। ठीक है स्पीकर पे लगा। ए बाजार रे बाजार, रिंग बजा रिंग बज। मालूम है मालूम है। उठाएगा वो, रुक जा। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हेलो। अबे साले किधर है तू, कितने दिन से कॉल करो तुझे। बोल बोल बात कर बात कर। अरे सेठ आप? अरे सेठ गया भाड़ में, पहले बता पैसे कब लौटाएगा मेरे। अरे सेठ कल ही तो आपके घर आया था लेकिन आप घर पर नहीं थे। हाँ तो ठीक है अभी आ जा, अभी हूँ घर पे। ओह नो। लेकिन मैं अभी घर पर नहीं हूँ। तो कहाँ है तू? अभी मैं आउट ऑफ पुणे आया हूँ। हाँ तो बता तूने कॉल क्यों किया था? सेठ कार चाहिए थी आपकी। शर्म नहीं आई मांगते वक्त? पर अभी तो बोला आउट ऑफ पुणे है तू। हाँ सेठ मुझे लेने मेरा भाई उसी कार से आएगा। गाड़ी के रेंट पे रखी है मैंने, जो तू मांगेगा तो दू। नहीं होगा भाई, नहीं मिलेगी छोड़। अगली बार कॉल मत करना, पहले पैसे लौटाना, इधर तेरे वजह से खाने पीने की दिक्कत हो रही है हमारी।
हमने आपके भरोसे शुरू किए धंधे, आपने हमसे पैसे उधार लेकर कर दिए वांधे, अभी खाने के लिए नहीं है कांधे, पैसे जो पेंडिंग है वो भरो नहीं तो भेज देंगे बंदे। अरे सेठ दे तो टेंशन मत लो आप। गोपी भाभी को बोल बिरयानी यहाँ भेजे। ठीक है साहब, आपने झूठ क्यों बोला फोन पे खाना नहीं मिल रहा है इसे। चोर को ढूंढना है तो चोर की तरह सोचना पड़ता है, और वैसे भी आजकल दिए हुए पैसे ऐसे ही मांगने पड़ते हैं, वरना वो कभी नहीं मिलते। न्यूज़पेपर तू गाड़ी का अरेंजमेंट मत कर, मैं करता हूँ। हाँ तू देख ले। नहीं नहीं रुक, मेरी पेशन में एक बंदा है, गाड़ी भी मिल जाएगी और पैसे भी कम लेगा। अरे बढ़िया, देख रही न्यूज़पेपर, सीख ले कुछ। रुको उसको कॉल लगाया मैंने। ठीक है बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। अरे भाई कांग्रेचुलेशंस, ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट किया है, बढ़िया बढ़िया। अरे थैंक यू, डू विजिट। अरे भाई हमें कार हायर करनी है आपकी कंपनी से, तो डिस्काउंट का कुछ हो सकता है कि देख लो ना। अरे बस क्या बाबा, पहचान वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है इधर। जब बात बढ़िया बढ़िया, सही है भाई। वैसे नॉर्मल रेट क्या है भाई? देख बिल्डर, रेगुलर आप हम 25 रुपए किलोमीटर भाड़ा लेते हैं, लेकिन तेरे लिए 30 रुपए लगाया है। भाई 5 रुपए ज्यादा बोल रहे हो आप, ऐसे क्यों? अरे वो आप लोगों के लिए ऑफर है, मतलब पहचान वाले से हम ऑफर में 5 रुपए ज्यादा लेते हैं। तुम पहचान वाले लोग ऑफर के चक्कर में हमें लूटते हो, तो हम क्यों नहीं लूटे? अब दोनों सुन लो, गाड़ी की व्यवस्था मैं करता हूँ, अब बस निकलने की तैयारी करो। ठीक है चलो, फाइनली गाड़ी तो मिल गई भाई। अभी हो गया ना भाई मीटिंग, चलो एक घंटा है तो जिम कर लेता हूँ, निकलता हूँ फिर। रुक जा भाई, अभी खाने पीने का डिसाइड करना पड़ेगा। अरे यार देखो, वहाँ पे कोई ना कोई स्नैक सेंटर मिल ही जाएगा, तो लंच ब्रेकफास्ट सब वहीं पे कर लेंगे या फिर पार्सल कर लेंगे। भाई मैं होटल का या कैंटीन का खाना नहीं खा सकता। क्यों भाई, पेट खराब है? अबे डाइट चल रहा है तो बाहर का नहीं खा सकता। तो क्या खाएगा फिर? ग्रीन वेजिटेबल्स मिलेगा ना वहाँ पे बॉइल करके। बॉइल करने के बजाय थर्मास में गर्म पानी ले ले भाई। ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स? अरे पहाड़ी में कहीं से घास तो मिल ही जाएगी। अबे तेरी तो साले। अरे सॉरी भाई। भाई वैसे एक बात पूछू। हाँ बोल ना। पेट बहुत बड़ा है भाई लॉकडाउन के बाद, इसे बिना डाइट और वर्कआउट के कैसे कम करे भाई, बता सकते हो? बिना वर्कआउट और डाइट के भाई क्यों मजे ले रहे हैं उसके, जाने दे। नहीं अश्विन, हो सकता है बिल्डर के पास कुछ सोल्यूशन। बताओ। पेट अंदर कर और चलता बंद। अरे भाई 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 बेइज्जती। देखो खाने के लिए आप कुछ भी ले लो। देख वड़ा पाव हम दोनों खा लेंगे। चल मैं भी 4 वड़ा पाव खा लूंगा। अभी तो बोला तू डाइट पे है। हाँ भाई सडनली वड़ा पाव पे एग्री हो गया। अरे वड़ा पाव खा के ही मेरा पेट बड़ा है, उसी को कम करने जाता हूँ। और मैं इसे आर्नोल्ड समझ रहा था। मतलब ये तो कुछ भी खा लेगा, आप तो डाइट का टेंशन भी नहीं है। अभी बता सुबह कितने बजे निकलना है? अभी कितने बजे है? शाम के 7 बजे। अभी सुबह 4 बजे निकलते है, घर जाओ बैग पैक करो और 4 बजे तैयार रहना। और हाँ सुबह 3 बजे मुझे कोई उठाओ, कॉल करो। एक काम कर, तू मुझे 2 बजे कॉल कर उठाने के लिए, मैं तुझे 3 बजे जगाता हूँ। देवा 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 उठा दे रे। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ए नीरो भाई, ए अश्विन भाई, तुम दोनों को सुबह मैं कॉल करता हूँ, चलो अभी घर। हाँ ठीक है फिर, अब हम निकलते हैं। हाँ चलो सुबह मिलते हैं। A few moments later. चलो भाई ये दोनों तो घर चले गए, अभी टेंशन नहीं है, बैग पैक करने की जरूरत नहीं। ये न्यूज़पेपर को समझाया, ये बिल्डर को भी समझाया, ये दोनों बैग पैक करके पानी पीनी खाना सब कुछ लेकर आएंगे, तो अपने को बैग पैक करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्डर अपने साथ है तो मुझे लगता है बैग पैक करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ भर के लेके आएगा। तो बस सुबह उठना है भाई, अभी सोते हैं चलो। द नेक्स्ट मॉर्निंग। चलो बैग पैक तो हो गया भाई, अभी इन दोनों को फोन करता हूँ, ये दोनों उठे कि नहीं देखते पहले। इन दोनों को हुआ होगा वैसे, कॉल करके देखते हैं। पहले न्यूज़पेपर को कॉल करता हूँ, वो तो भाई उठता नहीं है जल्दी। आप जिस व्यक्ति को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं उसने आपको हेड़ा बनाया है, उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया है, तो कृपया उसको कॉल करने की कोशिश ना करें। इसका फोन तो स्विच ऑफ लग रहा है। न्यूज़पेपर तो रह गया, ये तो नहीं आने वाला।
अभी अश्विन को फोन करता हूँ और देखता हूँ अश्विन तो उठा ही नहीं, वो तो तैयार होगा, देखते हैं, चलो कॉल करता हूँ। अबे गधे, एक बार समझाया समझता नहीं है क्या, दूसरी बार कॉल किया है, ये भी सोया हुआ है, इसको भी कॉल मत कर, इसने भी स्विच ऑफ किया है, इसने भी एड़ा बनाया है, रख फोन चल। इसका भी स्विच ऑफ? अरे वो न्यूज़पेपर और अश्विन दोनों भी स्विच ऑफ? अरे यार भाई, मैं इधर इतना बैग पैक करके बैठा हूँ, इतना भारी बैग लेके बैठा हूँ मैं इधर, और इन दोनों ने फोन स्विच ऑफ करके रखा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, ये लोग मुझे हर बार धोखा देते हैं। इन लोगों से मिलता भी नहीं था भाई मैं, ये धोखा देते इसलिए, लेकिन दिल का अच्छा हो तो मिलने चला गया, लेकिन ये हर बार मुझे धोखा देंगे ही। वो कहते हैं ना कि नेवर लेट द सेम स्नेक बाइट यू ट्वाइस, वो सांप मुझे काट रहा है और मैं उसी के साथ खेलने जा रहा हूँ। मुझे पता है वो सांप मुझे काटेगा, फिर भी मैं कटवाने जा रहा हूँ। आप लोग क्या देख रहे हो, मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं, बल्कि खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ। आप भी मोटिवेट कर सकते हो, कैसे पता है? सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब अपने आप वीडियो मेरी बूस्ट करेगा नए लोगों को। कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा, शेयर करो अपने दोस्तों में, इसके बाद मैं अपने आप मोटिवेटेड फील करूंगा। थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।